नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ FZS का जो तीनों नया कलर आया है वो आपको आज इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। साइड बाय साइड कंपेयर कर दूंगा कलर को कि आपको इसमें क्या चेंज नज़र आएगा, इसमें क्या चेंज नज़र आएगा, तो ऐसे करके सारी आज वीडियो में बात करने वाले हैं। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं, शॉर्ट वीडियो रखेंगे। तो प्राइस से शुरुआत करते हैं। जो इसकी ऑन रोड भिलाई की प्राइस है वो करीब 1,45,000 रुपीज़ होने वाली है। ऑन रोड भिलाई की प्राइस है, आपकी सिटी और मेरी सिटी में प्राइस का डिफरेंस रहेगा, तो प्राइस को लेकर चिंतित बिल्कुल भी ना हो। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है इसका मेटालिक ग्रे कलर और ये ब्लैक कलर और वहाँ पर है मेजेस्टी रेड कलर। तो यहाँ पर ये जो कलर है इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें आपको ब्लू कलर के अलॉय व्हील्स नज़र आते हैं। बाकी के दो जो दोनों वेरिएंट हैं, मतलब दोनों कलर्स हैं, इसमें आपको गोल्डन कलर के अलॉय व्हील्स नज़र आते हैं। और जो दूसरा डिफरेंस आपको नज़र आएगा वो ये है कि यहाँ पर ये जो मतलब जो FZS लिखा हुआ है इसमें आपको ब्लैक कलर में लिखा हुआ नज़र आता है, लेकिन इन दोनों ही कलर में आपको गोल्डन कलर में लिखा हुआ नज़र आता है। एक बार दिखा देता हूँ, तो इसमें आपको गोल्डन कलर में लिखा हुआ नज़र आता है। तीसरा जो मतलब अपडेट है वो अब आपको यहाँ पर सीट पर नज़र आएगा। ये देखा जाए तो सिंगल टोन कलर में आता है, लेकिन इसके जो बाकी के दो कलर्स हैं इसमें अगर आप देखते हो तो यहाँ पर ये डुअल टोन कलर में आपको सीट नज़र आ जाएंगे। बाकी यहाँ पर टेल लैंप अगर आप देखोगे तो टेल लैंप तीनों ही मोटरसाइकिल में अब आपको LED में नज़र आने वाला है। ऐसा नहीं है कि किसी में बल्ब टाइप में दिया हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखा जाए तो LED में हो चुका है, देख सकते हो। इंजन की यहाँ पर बात की जाए तो उसमें मिलता है 149 cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक 2-वेल्व एयर कूल्ड FI मोटर। पावर इसमें करीब आपको 12.4 PS की और टॉर्क इसमें 13.6 NM का मिल जाता है। माइलेज करीब आप इससे 45 KMPL तक की आराम से उम्मीद कर सकते हो। 5 स्पीड का गियर बॉक्स सेटअप आ जाता है तीनों ही मोटरसाइकिल में। देखा जाए तो तीनों ही मोटरसाइकिल सेम है, तो तीनों में गियर बॉक्स सेटअप 5 स्पीड का देखने को मिल जाएगा। और जो सीट हाइट है इसमें करीब आपको 790 mm की मिल जाती है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में भी डिस्क ब्रेक, सिंगल चैनल ABS आपको नज़र आ जाते हैं। 282 mm की डिस्क प्लेट फ्रंट में और रियर में 220 mm की डिस्क प्लेट, 13 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आ जाती है। और जो मिरर्स हैं आप ये देख सकते हो, ये कुछ ऐसा रहने वाला है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखा जाए तो पूरा सेटअप डिजिटल में आ जाता है, पूरा सेटअप डिजिटल में दिया हुआ है। बाकी कलर्स एक बार आपको दिखा देता हूँ। मुझे देखा जाए तो मेरा जो पर्सनल फेवरेट कलर है वो ये है। ये देखा जाए तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, देख सकते हो। बाकी ये दोनों कलर भी ठीक है, बट पर्सनल फेवरेट मेरा ये है। बाकी आपको इन तीनों ही मोटरसाइकिल में से कौन सा कलर पसंद आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं, बिकॉज़ मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो रखने का नहीं सोच रहा हूँ। ये बस देखा जाए तो साइड बाय साइड थोड़ा सा कंपैरिजन जो था वो दिखाने के लिए ये वीडियो बनाया था। बाकी आप देख सकते हो ये कुछ ऐसी रहने वाली है तीनों की तीनों कलर। बाकी इन तीनों में से कौन सा कलर पसंद आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस मोटरसाइकिल को लेकर आपकी कोई अदर ओपिनियन या फिर राय है तो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस मोटरसाइकिल की अगर आपको टेस्ट राइड EMI से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप ईशान यामाहा में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। और आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो, IDs यहाँ पर फ्लैश हो रही है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सो गाइस, मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बी अटेंटिव, बी स्मार्ट, ऑलवेज वेयर हेलमेट, राइड सेफ। जय हिंद, बाय दोस्तों।